5G तकनीकी के इस्तेमाल को सरकार की मंजूरी, परीक्षण में हुआवी और ZTE जैसी चीनी कंपनियां शामिल नहीं। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और MTNL को मिली अनुमति। भारत को 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचेगा अमेरिका, करीब 2.45 बिलियन डॉलर के सौदे को मिली मंजूरी। लंबी दूरी के सामुद्रिक निगरानी विमान है P-8I एयरक्राफ्ट। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए RBI की आर्थिक घोषणाओं का ऐलान, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान करना है मकसद, 50,000 करोड़ तक का ऋण कराया जाएगा मुहैया। GST कलेक्शन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर, अप्रैल महीने में 1,41,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, लगातार 7वें महीने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का संग्रह। ब्रिटेन में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत UK एनहेंस्ड ट्रेड के लिए योजना का हिस्सा होगा यह निवेश, वैक्सीन निर्माण को मिलेगी तेजी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बीते दिनों दूरसंचार विभाग ने TSPs यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 5G तकनीक के उपयोग के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी। इसके तहत भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और MTNL को अनुमति मिली है। इन TSPs को मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ अनुमति दी गई है। इसके लिए TSPs ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-DOT से समझौता कर रखा है। इस परीक्षण में हुआवी और ZTE जैसी चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा रिलायंस अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए भी परीक्षण करेगा। परीक्षणों की अवधि 6 महीने की है। इसमें उपकरणों की खरीद और लगाने के लिए 2 महीने की समय अवधि भी शामिल है। यह परीक्षण गैर वाणिज्यिक आधार पर होगा और परीक्षण के दौरान उत्पन्न आंकड़ों को भारत में संग्रहित किया जाएगा। प्रत्येक TSP को शहरी सेटिंग्स के अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी सेटिंग्स में भी परीक्षण करना होगा। इससे 5G तकनीक का लाभ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित ना होकर पूरे देश को मिल सकेगा। इसके अलावा TSP को 5G तकनीक के साथ साथ 5G i तकनीक का उपयोग करके परीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU ने 5G i तकनीक को भी मंजूरी दे दी है। 5G i तकनीक को IIT मद्रास, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी और IIT हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दें कि 5G प्रौद्योगिकी में डेटा डाउनलोड की दर 4G से 10 गुना होने की उम्मीद है, जबकि स्पेक्ट्रम दक्षता 3 गुना अधिक होने की उम्मीद है। जल्द ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आधार विवरण इकट्ठा करना शुरू करेगा। इसे भविष्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिहाज से इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। हालांकि किसी के पास अगर आधार नहीं है तो भी उसे किसी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को इसका डेटाबेस बनाने के लिए मार्च में 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। डेटाबेस के 2 से 3 महीने में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए मंत्रालय ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया। यह धारा सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए श्रमिकों का आधार डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाती है। इस कोड के तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मंत्रालय के अनुसार कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 के तहत नियम तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि उन्हें अधिसूचित और कार्यान्वित करने की कोई समय सीमा अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को बदलने के लिए ये 3 कोड और कोड ऑन वेजेस 2019 को लाया गया था, लेकिन अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत को कुछ खास पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स बेचने की मंजूरी दे दी। इन खास विमानों का नाम है P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स। अमेरिका भारत को 6 ऐसे एयरक्राफ्ट्स बेचेगा। इस पूरे सौदे की कीमत 2.42 बिलियन डॉलर है। दिसंबर 2019 में श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस सौदे को मंजूरी दी थी। मूल सौदे में 16 एयरक्राफ्ट्स खरीदने का प्रस्ताव था, लेकिन कुछ बाधाओं के चलते यह संख्या 6 कर दी गई।
भारत सरकार ने अमेरिका से हुई डील में 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स, 8 जॉइंट टैक्टिकल सिस्टम्स, 42 मिसाइल वार्निंग सेंसर्स, 14 एम्बेडेड GPS सिस्टम्स या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स की मांग की थी। इसके अलावा दूसरे और भी उपकरणों के लिए भारत ने अमेरिका से मांग रखी थी। बता दें कि भारतीय नौसेना वर्तमान में 4 P-8I एयरक्राफ्ट को तैनात करने की प्रक्रिया में है, जिन पर 2016 में ऑफसेट क्लॉज के तहत सौदा हुआ। इससे पहले नेवी ने 2009 में 8 ऐसे ही विमानों को खरीदा था। ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी के सामुद्रिक निगरानी विमान हैं, जिन्हें बोइंग कंपनी ने तैयार किया है। अब ऑफसेट क्लॉज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दरअसल रक्षा क्षेत्र में ऑफसेट क्लॉज का मतलब है कि अगर कोई कंपनी भारत के साथ रक्षा सौदा करने में सफल होती है तो माना जाता है कि वह कुल सौदे का कुछ हिस्सा भारत में खर्च करेगी। इससे भारत में घरेलू उद्योग आगे बढ़ सकेंगे और तकनीक को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बीते दिनों RBI ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कई उपायों की घोषणा की। इन उपायों से आम जनता, भारतीय बैंकों, उद्योगों और अन्य स्टेक होल्डर्स को मजबूती मिलेगी। RBI ने देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए तत्काल तरलता के प्रावधान की घोषणा की। इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच आसान होगी। इसके लिए 3 साल तक की समय सीमा के लिए रेपो दर पर 50,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण का वितरण 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इस योजना के तहत बैंक वैक्सीन विनिर्माण सहित कई प्रकार की संस्थाओं को नए सिरे से ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। RBI ने SFB यानी छोटे वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की भी घोषणा की। इससे सूक्ष्म, लघु और असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को सहायता मिल सकेगी। इन SFBs को रेपो दर पर 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। SFB को 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के आकार वाले माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को उधार देने की अनुमति होगी। इसके अलावा मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड कैटेगरी में आने वाले 25 करोड़ रुपए तक के उधारकर्ता 30 सितंबर 2021 तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए योग्य माने जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले महीने में सकल GST राजस्व ने नया रिकॉर्ड बनाया। GST लागू होने के बाद अप्रैल 2021 के दौरान GST राजस्व सबसे अधिक रहा है। अप्रैल में कुल 1,41,384 करोड़ रुपए का GST सरकार को मिला। मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल 2021 का GST राजस्व 14% अधिक रहा। इसके साथ ही लगातार 7वें महीने GST संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। आपको बता दें कि GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है। भारत में GST विधेयक 2014 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। 2016 में इसे मंजूरी मिल गई। यह देश का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। इसके द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन भी किए गए। इनमें से एक GST परिषद के गठन से संबंधित है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 279A को जोड़ा गया। यह परिषद ही GST को प्रशासित और संचालित करता है। इसके चेयरमैन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके सदस्यों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा नामित मंत्रियों को शामिल किया गया है। परिषद में केंद्र की वोटिंग शक्ति 1/3 और राज्यों की 2/3 होती है। परिषद में किसी मुद्दे पर निर्णय 3/4 बहुमत द्वारा लिया जाता है। बीते 24 अप्रैल को पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का 86वां वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स, अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर रखा गया। पर्वतों से मैंग्रोव तक 1000 किलोमीटर की यह यात्रा दो सबसे सुरम्य राज्यों पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर केंद्रित रही। इस वेबिनार को इम्प्रेशन टूरिज्म सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एवं CEO श्री देवाजीत दत्ता ने प्रस्तुत किया। यह यात्रा सिक्किम से शुरू होकर दार्जिलिंग होते हुए दक्षिण में तटीय क्षेत्र के गंगा के मैदानों से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन में खत्म हुई। सुंदरबन को रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल यात्रा सूची में सबसे पसंदीदा राज्यों में से है।
ये दोनों राज्य पर्यटन की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं, जिसमें साहसिक, आध्यात्मिकता, विरासत, वन्य जीवन और कई अन्य विशेषताएं शामिल है। सिक्किम एक प्रकृति बहुल राज्य है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, अल्पाइन फूलों से खिले हुए मैदान और पहाड़ी झीलें इत्यादि शामिल हैं। सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में राज्य की राजधानी यानी गंगटोक, पेलिंग, लाचुंग, लाचेन, युमथांग, नाथुला, दर्रा, गुरुडोंगमार झील शामिल हैं। विदेशियों को सिक्किम जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट यानी RAP लेना होता है। इससे पहले इसे इनर लाइन परमिट के रूप में जाना जाता था। वहीं पश्चिम बंगाल राज्य अपने समृद्ध इतिहास, अद्भुत नजारों, वास्तुकला की विरासत, कला एवं शिल्प, लोक उत्सव, संगीत, थिएटर नाटक, पारंपरिक उत्सव, स्वादिष्ट खान पान इत्यादि के लिए जाना जाता है। इस राज्य के पर्यटन स्थलों में कलिम्पोंग, दुआर्स, जालदापारा, मालदा, बिष्णुपुर, शांति निकेतन, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय आदि प्रसिद्ध है, जबकि धीगा समुद्री तट और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे और सुंदरबन नेशनल पार्क भी इसी राज्य में हैं। आपको बता दें कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई शासन विभाग के तकनीकी भागीदारी के साथ पेश की जाती है। केंद्र सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2021 की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में 307 मिलियन टन के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर खरीफ फसलों के प्रबंधन की समीक्षा एवं आकलन करने और ब्लॉक स्तरों पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसके अलावा कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य कृषि विभाग की सक्रिय भागीदारी के साथ खरीफ फसलों के लिए सीड मिनी किट वितरित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि इस साल 303.34 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ। यह उत्पादन बीते साल की तुलना में 1.96% यानी 297.50 मिलियन टन अधिक है। दालों और तिलहन का उत्पादन क्रमशः 24.42 और 37.3 मिलियन टन रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की माने तो कृषि और संबंध क्षेत्रों के GDP योगदान में भी निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है। GDP में कृषि का हिस्सा 2019-20 में 17.8% से बढ़कर 2020-21 में 19.9% हो गया है। आपको बता दें कि भारत में ऋतुओं के हिसाब से तीन तरह की फसलें पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ अहम रबी की फसलें हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि शामिल हैं। वहीं रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलें इत्यादि प्रमुख जायद फसलें हैं। हाल ही में विशेषज्ञों ने सरकार से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR के नियमों में ढील देने की मांग की है। वे COVID-19 से पीड़ित कर्मचारियों के वैक्सीनेशन और कर्मचारियों के इलाज के लिए होने वाले कॉर्पोरेट व्यय को CSR के खर्च के तहत शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं। कंपनियों को वर्तमान CSR मानदंडों के तहत अपने अनिवार्य CSR व्यय में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए व्यय को शामिल करने की अनुमति नहीं है। हालांकि केंद्र ने पहले ही CSR मानदंडों में कई बदलाव किए हैं। बता दें कि कॉर्पोरेट द्वारा CSR खर्च के रूप में COVID-19 वैक्सीन के प्रति जागरूकता पर उनका व्यय और PM केयर फंड को दिया जाने वाला दान शामिल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एक कंपनी द्वारा अस्थायी अस्पतालों की स्थापना भी CSR व्यय में शामिल होगी। इसके साथ ही कोविड फैसिलिटीज पर होने वाला खर्च कंपनी के अनिवार्य CSR व्यय में गिना जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पताल की सुविधा प्रदान करने और अपने कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च को कवर करने से कंपनियां मौजूदा कोविड बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ को कम कर देंगी, जिससे जनता को बड़े पैमाने पर फायदा हो सकेगा। बता दें कि CSR से तात्पर्य किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, ग्राहकों आदि के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी से है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका न्यूनतम निवल मूल्य यानी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए या कुल कारोबार यानी टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो, अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो। हाल ही में RBI NGFS यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है। NGFS केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। RBI का इसमें शामिल होने का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और उसमें योगदान देना है। इससे एक सतत अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में धन का सही उपयोग हो सकेगा। इस समूह में 62 केंद्रीय बैंक शामिल हैं। यह सदस्य देशों की वित्तीय क्षेत्र की नीतियां पर्यावरण और जलवायु जोखिम को ध्यान में रखते हुए तैयार करता है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन, शारीरिक जोखिम यानी फिजिकल रिस्क और संक्रमण जोखिम यानी ट्रांजिशन रिस्क के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। शारीरिक जोखिम में मौसम की घटनाओं को शामिल किया जाता है, जबकि संक्रमण जोखिमों में निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए नीति, कानूनी और नियामक ढांचे, उपभोक्ता वरीयताओं और तकनीकी विकास में परिवर्तन के कारण आने वाले जोखिमों को रखा जाता है। आपको बता दें कि भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए विशिष्ट जलवायु जोखिमों के बारे में स्पष्टता की कमी एक बड़ी समस्या है, और जब इन जोखिमों के आकार और समय के बारे में अनिश्चितता हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक कानून पारित किया है। इसके मुताबिक वित्तीय फर्मों को जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का खुलासा करने की आवश्यकता होगी। ऐसा कानून लाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया UK में अपना नया सेल्स ऑफिस खोलने वाला है। अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार करने के लिए SII ने UK में 240 मिलियन GBP यानी ब्रिटिश पाउंड के निवेश की बात कही है। यह घोषणा 1 बिलियन GBP की भारत UK एनहांस्ड ट्रेड के लिए योजना के हिस्से के रूप में की गई है। इसके तहत ब्रिटेन में लगभग 6500 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट का यह निवेश नैदानिक परीक्षणों, अनुसंधान और विकास के साथ साथ टीकों के निर्माण में भी मदद करेगा। इससे UK और दुनिया को कोरोना वायरस महामारी और अन्य घातक बीमारियों से निपटने में मदद मिलेगी। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता के साथ ही लगभग 20 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा, बायोटेक और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की घोषणा की है। इन सबके अतिरिक्त SII ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ नाक के टीके के पहले चरण का परीक्षण भी शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ग्लोबल जीन कार नामक एक अन्य भारतीय कंपनी द्वारा अगले 5 सालों के दौरान 59 मिलियन GBP का निवेश किया जाएगा। यह ब्रिटेन में 110 हाईली स्किल्ड जॉब्स का सृजन करेगी, जिसका शोध एवं अनुसंधान केंद्र वेलकम जीनोम कैंपस में होगा। कैम्ब्रिज स्थित वेलकम जीनोम कैंपस को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेंटर के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल जीन कॉर्प के CEO सुमित जमुआर हैं। आपको बता दें कि अपनी जीनोम UK स्ट्रेटजी के साथ ब्रिटेन जीनोमिक्स क्रांति में सबसे आगे है। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के एक नए आइसोटोप की खोज की है। यह यूरेनियम का अब तक का सबसे हल्का आइसोटोप है। इस खोज से अल्फा कण के बनने और निकलने के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। अल्फा कण वे कण होते हैं जो कुछ रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के दौरान निकलते हैं। अल्फा क्षय में किसी परमाणु नाभिक से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का एक समूह बाहर निकलता है। इसे सामूहिक रूप से एक अल्फा कण कहा जाता है। अल्फा कण के निकलने की जानकारी वैज्ञानिकों को बहुत पहले से थी, परंतु निकलने से पहले अल्फा कण कैसे बनता है इसका सटीक विवरण मौजूद नहीं है। इस आइसोटोप को यूरेनियम 214 कहा गया है। किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उन परमाणुओं को आइसोटोप कहा जाता है। यूरेनियम 214 में प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या 30 ज्यादा है।
गौरतलब है कि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अन्य यूरेनियम आइसोटोप की तुलना में कम है। यही कारण है कि यह यूरेनियम के अन्य सभी आइसोटोप की तुलना में बहुत हल्का है। इसके अलावा यूरेनियम 214 की अर्ध आयु महज आधा मिलीसेकंड की है, जबकि आमतौर पर उपयोग में आने वाले यूरेनियम 338 की अर्ध आयु लगभग 4.5 अरब वर्षों की है। अर्ध आयु किसी रेडियोधर्मी नमूने के आधे होने में लगने वाला समय होता है। अमेरिकी बायोटेक फर्म नोवावैक्स ने बच्चों पर उसकी प्रस्तावित कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं। इसके तहत एक कार्यक्रम में 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 3000 किशोर शामिल किए जाएंगे। नोवावैक्स के मुताबिक इन परीक्षणों से वैक्सीन के प्रभाव और सुरक्षा की जांच हो सकेगी। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को वैक्सीन लगने के बाद 2 सालों तक निगरानी की जाएगी। गौरतलब है कि नोवावैक्स वैक्सीन को अभी तक किसी भी देश में अधिकृत नहीं किया गया है। कंपनी इस साल की दूसरी तिमाही के दौरान ब्रिटेन और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में आपातकालीन स्वीकृति की योजना बना रही है। आपको बता दें कि नोवावैक्स वैक्सीन एक प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। इसमें कोरोना वायरस के पहले स्ट्रेन के जेनेटिक सीक्वेंस का उपयोग किया गया है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर सहित अन्य वैक्सीन कंपनियां भी किशोरों पर वैक्सीन परीक्षण कर रही हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र से निकलने वाले एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। इन संकेतों का पता तब चला जब पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को मापा है। यह 30 वर्षों में इस ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप माना जा रहा है। प्रोब के निष्कर्षों के अनुसार पृथ्वी की तरह शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में भी शुक्र ग्रह की विद्युत आवेशित परत है, जिसे आयन मंडल कहा जाता है। नासा के अनुसार पृथ्वी और शुक्र दोनों समान आकार और संरचना के हैं और इन्हें जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हालांकि पृथ्वी के विपरीत शुक्र में चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है और इसकी सतह सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। नए अध्ययन में पाया गया कि शुक्र का ऊपरी वायुमंडल एक सौर चक्र पर बदलाव से गुजरता है। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र से आ रही आवाज और रेडियो सिग्नल को सूरज का अध्ययन करने के दौरान रिकॉर्ड किया है। बता दें कि पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने IGIB को जीनोम अनुक्रमण के लिए कोरोना वायरस के 100 नमूने भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय और IGIB दिल्ली के बीच औपचारिक रूप से एक समझौता किया जाएगा। इसका उद्देश्य वायरस म्यूटेंट और वेरिएंट का विस्तृत विश्लेषण करना है। इससे पहले केरल ने भी इसी तरह के जीनोम अनुक्रमण कार्य के लिए IGIB से संपर्क किया था। आपको बता दें कि IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी INSACOG में शामिल 10 राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। INSACOG का गठन केंद्र सरकार द्वारा वायरस म्यूटेशन की निगरानी के लिए किया गया है। दरअसल INSACOG यानी SARS-CoV-2 इंडियन कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स ने विदर्भ क्षेत्र से निकलने वाले वायरस को एक अलग स्ट्रेन बताया है। इसे E454Q के साथ देखे गए L452R म्यूटेशन के रूप में पहचाना गया है। यह जीनोम अनुक्रमण 3 चरणों में किया जाएगा। इसका हर एक चरण 1 महीने तक चलेगा। जीनोम अनुक्रमण में एक जीव के पूरे जीनोम में मौजूद ऑर्डर ऑफ बेसिस का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में स्वचालित अनुक्रमण तरीकों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा जीनोम अनुक्रमण के विशाल अनुक्रम डेटाबेस को तैयार किया जाता है। बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक किरणों से जुड़ी एक गुत्थी को सुलझाया है। यह शोध जर्नल ऑफ हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किया गया है। इस शोध से यह पता चला है कि मिल्की वे आकाशगंगा से गुजरते हुए कॉस्मिक किरणें उन पदार्थों से अंतःक्रिया करती हैं जो अन्य कॉस्मिक किरणों मसलन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्पादन करती हैं। ये नई कॉस्मिक किरणें पॉजिट्रॉन एक्सेस घटना का मूल कारण है। यह शोध अग्निभार डे सरकार, सयन विश्वास और नयनतारा गुप्ता द्वारा तैयार किया गया है। गौरतलब है कि खगोलविदों ने सालों से इलेक्ट्रॉनों के समकक्ष एंटी मैटर यानी पॉजिट्रॉन की अधिकता का अवलोकन किया है।
इनमें 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यानी GeV से भी अधिक की ऊर्जा होती है। एक अनुमान के मुताबिक यह 10 मिलियन वोल्ट की बैटरी में धनात्मक रूप से आवेशित एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। 10 से 300 GeV के बीच वाली ऊर्जा के पॉजिट्रॉन के इस व्यवहार को खगोलविदों ने पॉजिट्रॉन अतिरेक नाम दिया है। हालांकि 300 से अधिक GeV ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन की संख्या अभी अनुमानतः कम है। आपको बता दें कि मिल्की वे में आणविक हाइड्रोजन के विशाल बादल होते हैं। सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान उत्पन्न होने वाली कॉस्मिक किरणें पृथ्वी तक पहुंचने से पहले इन्हीं बादलों से होकर गुजरती हैं। ये कॉस्मिक किरणें आणविक हाइड्रोजन के साथ अंतःक्रिया करके अन्य कॉस्मिक किरणों को जन्म दे सकती हैं। खगोल भौतिकी से जुड़ी इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन कंप्यूटर कोड के जरिए किया गया। ये कोड मिल्की वे में मौजूद उन 1638 आणविक हाइड्रोजन के बादलों के बारे में विचार करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंग दैर्ध्य में देखा गया है। यह कंप्यूटर कोड न केवल पॉजिट्रॉन की अधिकता बल्कि सही ढंग से प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, बोरॉन, कार्बन और कॉस्मिक किरणों के अन्य सभी घटकों के स्पेक्ट्रा को दर्शाता है। एक नए अध्ययन में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन को ब्राजील के कोरोना वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बताया है। ब्राजील के इस वेरिएंट का नाम B.1.128.2 है। शोध में पाया गया है कि कोवैक्सीन की दो डोज से शरीर में इस संस्करण के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे इसके संक्रमण का असर कम हो जाता है। 30 अप्रैल को बायोरेक्सिव प्री प्रिंट में पोस्ट किए गए इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि इससे पहले किए गए शोध में कोवैक्सीन को यूके के संस्करण B.1.1.7 और भारत के डबल म्यूटेंट संस्करण B.1.617 के खिलाफ प्रभावी बताया गया था। आपको बता दें कि भारत में SARS-CoV-2 के यूके संस्करण से संक्रमित मामलों की सूचना दी गई है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका संस्करण और ब्राजील संस्करण का भी पता लगाया गया है। ये मामले भारत में विदेशों से आने वाले यात्रियों में पाए गए हैं। फिलहाल भारत में टीकाकरण के लिए भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड का उपयोग किया जा रहा है। बीते दिनों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जारी किया। यह आउटलुक दुनिया भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े हाल के घटनाक्रमों की पहचान और चर्चा करता है। इसे वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस बार के आउटलुक में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैनाती, ऊर्जा उपयोग, CO2 उत्सर्जन और बैटरी की मांग जैसे प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा की गई है। आउटलुक के मुताबिक यदि सरकारें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के अपने प्रयासों में तेजी लाती है तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि दशक के अंत तक 230 मिलियन तक पहुंच सकती है। गौरतलब है कि इस अनुमान में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल नहीं किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की माने तो साल 2020 में 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारों को पंजीकृत किया गया था, जो 2019 की तुलना में 41% अधिक था। इसी तरह 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 2020 में इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक रही। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद वर्ष 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। हर साल की तरह इस बार भी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। यह दिवस कामकाजी लोगों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन लोग अच्छे काम और उचित वेतन के लिए अभियान करते हैं। गौरतलब है कि श्रमिकों द्वारा की गई कई वर्षों की मेहनत के बाद लाखों श्रमिकों ने कुछ मौलिक अधिकार और सुरक्षा प्राप्त की है। इन्हीं अभियानों का परिणाम है कि श्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित हो सके। साथ ही श्रमिकों को पेड हॉलीडेज और सिक पे भुगतान आदि का अधिकार मिल सका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर कई देशों में सार्वजनिक अवकाश होता है। भारत में पहला श्रमिक दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। इसे लोकप्रिय रूप से मई दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिवस भारत, क्यूबा और चीन समेत अन्य कई देशों में मनाया जाता है।
मजदूर दिवस की शुरुआत 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रमिक संघ आंदोलन से मानी जाती है। 1889 में मार्क्सवादी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए एक संकल्प को अपनाया था। इस दौरान उन्होंने मांग की थी कि श्रमिकों को दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस का कानून बनाया गया। इसके बाद से यह दिवस एक वार्षिक आयोजन बन गया। बता दें कि भारतीय संविधान में श्रम संवर्ती सूची का विषय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार ने काम कर रहे पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है। ये पत्रकार महामारी को कवर करने के लिए कई जोखिमों का सामना करते हैं। इनके कामों ने लोगों में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस निर्णय से 6,944 कामकाजी पत्रकारों को लाभ होने की संभावना है। आपको बता दें कि ये सभी कामकाजी पत्रकार गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक पत्रकार को 2,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा ड्यूटी करने के दौरान कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को 15,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी प्रदान की जा रही है। पत्रकारों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित करने का महत्व यह है कि उन्हें भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के चरण 1 में टीका लगाया जाएगा। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। ओडिशा के अलावा भी दूसरे कई राज्यों ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु के नीलगिरी में बाल यौन शोषण और बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो के तहत मामलों की संख्या में 52% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मार्च 2019 से मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान बताई गई है। पिछले साल इस जिले में जहां बाल विवाह के 6 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस साल अब तक 13 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, यानी इन मामलों में 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने बाल विवाह और बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों की एक वजह लॉकडाउन बताई है। उनके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहे और सभी के पास ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में अभिभावकों के बीच बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई ने 15 से 17 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपने उम्र के लड़कों या बड़े लड़कों के साथ भाग जाने की सूचना दी है। ऐसे में सामाजिक कलंक और शर्म के कारण माता पिता का मानना है कि लड़कियों को घर में रखने से बेहतर है उनकी शादी कर देना। इन स्थितियों के मद्देनजर प्रशासन की मदद से CSR पहल के रूप में जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत स्वयं सेवक बुनियादी गणित और भाषा कौशल बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में अब जानवर भी आ गए हैं। भारत में इस तरह का पहला मामला हैदराबाद में सामने आया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एशियाई शेरों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची 1, साइट्स के परिशिष्ट 1 और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। दरअसल बीते 24 अप्रैल को नेहरू जूलॉजिकल पार्क के शेरों में सूखी खांसी, नाक से पानी आना और भूख ना लगना जैसे लक्षण देखे गए थे। इसके बाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने इन शेरों के RT-PCR टेस्ट के पॉजिटिव आने की खबर वन अधिकारियों को दी। CCMB अब जीनोम अनुक्रमण के लिए सैंपल्स की जांच करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शेरों में यह संक्रमण इंसानों से आया या नहीं। हालांकि इससे पहले कैलिफोर्निया के सैन डियागो चिड़ियाघर में गोरिलाओं में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले देखे गए थे। मौजूदा वक्त में नेहरू जूलॉजिकल पार्क एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। एहतियात के तौर पर फिलहाल इस पार्क को विजिटर्स के लिए बंद रखा गया है। हुसैन सागर झील यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस पार्क में पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों की 1500 से भी अधिक प्रजातियां हैं। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुछ जानकारों ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक गोरिल्ला की एक प्रजाति भी उन 200 संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है जिन पर संघर्ष के चलते खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये सशस्त्र संघर्ष दुर्भाग्य से उन्हीं क्षेत्रों में हुए हैं जो उच्च जैव विविधता के क्षेत्र हैं। जानकारों की माने तो नागरिक अशांति और सैन्य अभ्यासों की वजह से 200 से ज्यादा प्रजातियों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इनमें हाथी और ईस्टर्न गोरिल्ला भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की तरफ से जारी की गई है। रिपोर्ट में पर्यावरण और सशस्त्र संघर्ष के बीच वर्तमान संबंध को लेकर चिंता जाहिर की गई है। बताया गया है कि इन संघर्षों से प्रकृति पर गहरा असर पड़ा है, लिहाजा हमें प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर खासा ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले साल 2007 में ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में करीब 2000 हाथियों की मौत सूडान के विद्रोहियों की वजह से हुई। इसी तरह ईस्टर्न गोरिल्ला भी प्रभावित हुए हैं। ईस्टर्न गोरिल्ला बड़ी संख्या में कांगो गणराज्य, रवांडा और युगांडा में पाए जाते हैं। चूंकि ये क्षेत्र अमूमन संघर्षरत रहते हैं, इसलिए यह प्रजाति आज संकट में है। गोरिल्ला कपियों के परिवार में सबसे विशाल कपी हैं। इनके हाथ इंसानों की तरह होते हैं। इन जीवों का वजन 440 पाउंड्स जबकि ऊंचाई 4 से 6 फीट हो सकती है। यही नहीं, जानकार यह भी बताते हैं कि इनके जेनेटिक कोड इंसानों से 98% समानता रखते हैं। ये विशाल जीव कई संवेदनाएं और व्यवहार इंसानों की तरह ही करते हैं। गोरिल्ला बड़े बड़े परिवारों में रहना पसंद करते हैं जिनमें अमूमन 5 से 10 सदस्य होते हैं। मादा गोरिल्ला 7 से 8 साल जबकि नर गोरिल्ला 8 साल से ज्यादा की उम्र में लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं। जन्म देने योग्य मादा गोरिल्ला हर 4 से 6 साल में केवल एक बच्चे को ही जन्म देना पसंद करती है। इस धीमी प्रजनन दर की वजह से ही गोरिल्ला की संख्या पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। बीते दिनों सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी CEC ने गोवा के कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई है। इसमें रेलवे लाइन का डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। यह लाइन कर्नाटक में कैसल रॉक से गोवा के कुलेन तक बिछाई जा रही है। CEC का मानना है कि यह परियोजना पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। गोवा फाउंडेशन द्वारा दायर एक आवेदन के बाद CEC ने गोवा में 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों की जांच की। इन 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स में रेल पटरियों का दोहरीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4A को 4 लेन में बदलना और गोवा तमनार ट्रांसमिशन परियोजना शामिल है। गोवा फाउंडेशन के मुताबिक इन तीनों परियोजनाओं में लगभग 170 हेक्टेयर वन एवं अभयारण्य भूमि और लगभग 37,000 पेड़ों की कटाई शामिल है। ऐसे में CEC ने सिफारिश की है कि गोवा में अतिरिक्त 400 KW फीड की लाइनें बिछाने के लिए गोवा तमनार ट्रांसमिशन परियोजना के अलाइनमेंट को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। साथ ही 220 KW लाइन के साथ इसे संशोधित भी किया जाना चाहिए। इस कदम से जैव विविधता से संपन्न पश्चिमी घाटों को बहुमूल्य वन कवर और वन्य जीवन को बचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CEC का गठन 9 मई 2002 के एक आदेश के जरिए किया था। इस समिति को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक सांविधिक समिति में बदला गया था। इस समिति का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत तक फैला हुआ है। ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर अमूमन हर साल लाखों ऑलिव रिडले कछुए नेस्टिंग करने और अंडे देने आते थे, लेकिन इस साल ये कछुए ऋषिकुल्या नदी से दूर होते देखे जा रहे हैं। संभावना जताई गई है कि इस साल यह नेस्टिंग इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगी। इसका एक कारण पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 1 महीने देरी से इस नेस्टिंग की शुरुआत होना बताया गया है। ऐसे में तेज होती धूप के कारण तट पर मौजूद रेत गर्म होने लगी है, जिसके चलते नेस्टिंग के लिए कछुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। गौरतलब है कि साल 2020 में 21 से 28 मार्च के दौरान ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास 3,23,000 से अधिक ऑलिव रिडले कछुओं ने नेस्टिंग की थी।
वहीं एक वन अधिकारी के मुताबिक इस साल 21 अप्रैल तक पूरे तट पर लगभग 4106 कछुओं ने ही अंडे दिए हैं। इस साल मास नेस्टिंग में हुई इस देरी को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञों और एक्टिविस्ट ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक प्राकृतिक घटना है और ऐसा कई कारणों के चलते देखा जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वर्ष 2002, 2007, 2016 और 2019 में ऐसा हो चुका है। ओडिशा का तट कछुओं के सबसे बड़े सामूहिक नेस्टिंग के स्थानों में से एक है। ऑलिव रिडले कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन कछुओं और उनके उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी और अंग्रेजी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने इस पद पर बीपी कानूनगो की जगह ली है। बीपी कानूनगो इस पद से 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। वह RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और राजेश्वर राव। रविशंकर के पास RBI में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन का प्रभार होगा। हाल ही में राशि परसरामपुरिया को मिस 3 इंडिया इंटरनेशनल का ताज पहनाया गया। इससे पहले यह ताज आयुषी ढोलकिया के नाम था। उन्हें यह खिताब मिस 3 दीवा 2020 पेजेंट के कार्यक्रम के दौरान दिया गया। यह कार्यक्रम जनवरी 2021 में आयोजित हुआ था। मिस 3 इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा टीन पेजेंट है। इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। हाल ही में तमिलनाडु के मट्टी केले के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया गया है। यह आवेदन कन्याकुमारी केला और बागवानी किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने किया। बेबी फूड के तौर पर इस केले का इस्तेमाल किया जाता है। इस केले का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। पश्चिमी घाट की जनजातियां इसका इस्तेमाल पीलिया के उपचार में भी करती हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल और पद्मनाभपुरम क्षेत्रों में इस केले की खेती की जाती है। बीते दिनों जाने माने सितार वादक पंडित देवव्रत चौधरी का COVID-19 की वजह से निधन हो गया। वह 85 साल के थे। सेनिया घराने से संबंध रखने वाले पंडित देवव्रत चौधरी का संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। उन्हें पद्मभूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि सितार लकड़ी, तून की लकड़ी, धातु तुमड़ी और चिकरी से बना एक तार वाद्य यंत्र होता है। इसका उपयोग मुख्यतः पूरे उत्तर भारत में शास्त्रीय संगीत समारोहों में एकल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। हाल ही में पुर्तगाल में दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। इस पुल का नाम ह्यूगो जेवियर है, जिसकी लंबाई 516 मीटर है। यह पुल पाइवा नदी से 175 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अरोका जियो पार्क के अंदर यह पुल हरे भरे और पीले फूलों से ढके रॉक स्ट्रियून पहाड़ों के बीच बना है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को 9.8% तक रहने की बात कही है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था में रिकवरी को धीमा कर सकती है। बता दें कि मार्च में अमेरिका स्थित इस रेटिंग एजेंसी ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए भारत के लिए 11% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया था। इस अनुमान का कारण आर्थिक गतिविधियों का खुलना और राजकोषीय प्रोत्साहन बताया जा रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश के साथ ही IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी। भारत सरकार और LIC के साथ IDBI बैंक की 94% से अधिक इक्विटी के मालिक है, जहां GOI 45.48% और LIC 49.24% इक्विटी धारण करते हैं। बता दें कि LIC वर्तमान में प्रबंधन नियंत्रण के साथ IDBI का प्रमोटर है और भारत सरकार इसका सह प्रमोटर है।
इस रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से संसाधनों का उपयोग विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ साथ दो अन्य राज्य संचालित बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। हाल ही में उड्डयन मंत्रालय ने 20 संस्थाओं को ड्रोन की बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी BLVOS पर उड़ानों के संचालन की अनुमति दी है। इनमें स्पाइस जेट और डंजो एयर कंसोर्टियम शामिल है। BLVOS वह दूरी है जहां ड्रोन और UAV यानी मानव रहित हवाई वाहन नॉर्मल विजुअल रेंज के बाहर संचालित होते हैं। यह ड्रोन के परीक्षण में दूसरा चरण है। परीक्षण के पहले चरण के दौरान ड्रोन आमतौर पर दृश्य रेखा के भीतर संचालित होते हैं। आपको बता दें कि सरकार ड्रोन के माध्यम से COVID-19 वैक्सीन वितरित करने की योजना पर विचार कर रही है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लंबी गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म की पहचान की है। पहचान किए गए डायनासोर को सॉरोपॉड्स कहा जाता है। इस जीवाश्म की खोज मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स से पाए गए हैं। यह है इस क्षेत्र में खोजे गए संभावित टाइटनोसॉरियन मूल के सॉरोपॉड्स जीवाश्म का पहला रिकॉर्ड है। यह जीवाश्म लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व लेट क्रेटेशियस युग के हैं। सॉरोपॉड्स की अत्यंत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, शरीर के सापेक्ष छोटे सिर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर होते थे। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जर्मनी के ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले 10 सालों में इसका अंतिम ग्लेशियर भी समाप्त हो जाएगा। जुगिप्से क्षेत्र में और बचडे सगडेन आल्प्स में स्थित जर्मनी के 5 ग्लेशियर बीते एक दशक में अपनी मात्रा का लगभग 2/3 हिस्सा खो चुके हैं। ये ग्लेशियर्स न केवल बर्फ के रूप में पृथ्वी के इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि हमारी जलवायु की स्थिति की जांच के लिए ये थर्मामीटर का भी काम करते हैं। 2015 के पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देशों का लक्ष्य 2050 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री के करीब लाने का है। हाल ही में एक बायोटेक फर्म ऑक्सीटेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ा गया है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में रोग फैलाने वाले मच्छरों की आबादी को कम करना है। यह पहली बार है जब आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को अमेरिका के वातावरण में छोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य में फैलने वाले रोगों की प्रवृत्ति को कम करना है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर मानव को काटने वाले मादा मच्छरों की संख्या को कम करने में सहायक होंगे। हाल ही में ICC ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों के लिए अप्रैल माह के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के नामितों की घोषणा की है। ICC ने अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में पाकिस्तानी बल्लेबाजों बाबर आजम और फखर जमान को भी शामिल किया है। इन दोनों बैट्समैन को यह खिताब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स के महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट और एलिसा हिली एवं न्यूजीलैंड की लिक कैस्परे को शामिल किया गया है। बता दें कि ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स में पहली बार किसी भी भारतीय क्रिकेटर को जगह नहीं मिली है। दिगंबर बेहरा को ATS पब्लिक सर्विस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया। दिगंबर बेहरा वर्तमान में PGIMER यानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के आधार पर 2020 में प्रोफेसर बोहरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में पुटोला नाच नामक पारंपरिक कला का उपयोग करते हुए COVID-19 से संबंधित संदेशों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक ले जाने के लिए कुछ वीडियो बनाए गए हैं। इन वीडियोस को यूनिसेफ के सहयोग से निर्मित किया गया है। इन वीडियो में 2 के नाम कोविड शत्रु, कोविड विभ्रत थे। इन दोनों वीडियो को असमिया भाषा में रिलीज किया गया है। वहीं तीसरी वीडियो मामारो मीना को कोविड कथा को नेपाली भाषा में रिलीज किया गया है। एक चौथा वीडियो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के मुद्दों पर आधारित है। बता दें कि पुटोला नाच पूर्वोत्तर भारत में एक पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली थिएटर है।
हाल ही में मिस्र से पहली बार एक गर्भवती महिला की मम्मी की खोज की गई है। इस मम्मी को दशकों से एक पुजारी पुरुष के रूप में समझा जाता था। यह खोज पोलैंड के शोधकर्ताओं ने की, जो 2015 से वारसा के राष्ट्रीय संग्रहालय में 40 से ज्यादा मम्मियों का अध्ययन कर रहे थे। गौरतलब है कि प्राचीन मिस्र में गर्भवती महिलाओं को दफनाया जाता था। यह पहली ज्ञात मर्मीकृत गर्भवती महिला की मम्मी है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।